आपके टूटू भैया चाहते हैं कि आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो करें, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुधा अपने बेटे अमन के साथ अपने पति सुधीर से मिलने मुंबई जा रही थी। सुधीर की पोस्टिंग काम को लेकर अलग अलग शहरों में होती रहती थी, लेकिन सुधा और अमन जयपुर में ही रहते थे। बीच बीच में कभी सुधीर तो कभी सुधा मुंबई मिलने जाती रहती थी। माँ, हम कितने दिनों बाद पापा से मिलेंगे? हाँ बेटा, पूरे 4 महीने बाद मिलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ से ट्रेन निकल चुकी होती है। अब क्या करें, टाइम भी ज्यादा हो गया है। वो देखो माँ, मुंबई एक्सप्रेस आ रही है। चलो अच्छा हुआ ये तो। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। माँ, ये ट्रेन तो नए रास्ते से जा रही है। बेटा, ये ट्रेन भी तो दूसरी है, सबका अपना अपना रास्ता होता है। तभी पास से एक पापड़ बेचने वाला बोलता है, सही कहा, सबका अपना अपना रास्ता होता है, इसका भी अपना एक रास्ता है। ये बोलकर पापड़ वाला चला जाता है। मम्मी, ये अंकल कुछ अजीब से नहीं थे? इन्होंने औरतों की तरह घूंघट क्यों किया हुआ था, और आवाज भी कितनी डरावनी थी। जाने दो, तुम ध्यान मत दो। पास में बैठी एक औरत सुधा से बोलती है, आपको कहाँ जाना है? मैं इस ट्रेन में पहली बार जा रही हूँ, इस ट्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, वैसे इस पर मुंबई एक्सप्रेस लिखा था। तभी वो पापड़ वाला आता है। सब अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, सब अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अरे ओ पापड़ वाले, तू तो क्या बार बार बता रहा है, हमें जहाँ पहुँचना होगा हम पहुँच जाएंगे। इसकी कंप्लेंट करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगा। सुधा ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाती है। वहाँ कुछ लोग सहमे हुए से बैठे थे। क्या एक पापड़ वाला आप लोगों को भी परेशान कर रहा है? कोई कुछ नहीं बोलता। अरे बड़े अजीब हैं ये लोग, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता, जाओ यहाँ से, जाओ। ये लोग ऐसे क्यों डरे हुए हैं? चलो आगे जाकर देखती हूँ। सुधा आगे जाती है। ये सब क्या हो रहा है, इस ट्रेन में सभी इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ट्रेन की चेन खींचनी चाहिए, ये लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। सुधा ट्रेन की चेन खींचती है। अरे ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? सुधा इंजन वाले डिब्बे में पता करने जाती है। अरे ओ ड्राइवर, ये कैसी ट्रेन चला रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला किसी ने चेन खींची है और कोई परेशानी में हो सकता है? तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? बड़ा बदतमीज ड्राइवर है, बोलने की भी अकल नहीं है। सुधा ट्रेन डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए फोन मिलाती है। ड्राइवर अपनी सीट से उतरकर सुधा का फोन खींचकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। तू कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और सुधा को चोटी से पकड़कर पिछले डिब्बे में ले जाता है। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही पापड़ वाला था। तुम तो वही पापड़ वाले हो ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बाल, छोड़ो मुझे। मैं पापड़ वाला नहीं, तुम्हारी मौत का सौदागर हूँ। और ये बोलकर वो आदमी अपने मुंह से पर्दा हटा देता है। उसे देखते ही सुधा जोर से चिल्लाने लगती है। उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक था और वो एक भूत था। कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो भूत सुधा को पकड़कर आगे वाले डिब्बे में ले गया। वहाँ बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे मरे हुए थे। नहीं नहीं, ये सब क्या है, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा, मेरा अमन। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये ट्रेन जा कहाँ रही है, ना ही किसी स्टेशन पर रुक रही थी। मुझे कैसे भी करके इस राक्षस से बचकर अपने बच्चे के पास जाना होगा। तभी सुधा बेहोशी का नाटक करके वहीं गिर जाती है। गई ये भी काम से, बड़ी उछल रही थी। भूत उसे छोड़कर आगे चला जाता है और सुधा लेटी लेटी आगे सरकती सरकती अपने बेटे अमन के पास जाती है। अमन डरा हुआ सीट के कोने में
अपने पैरों में सिर दिए सुबक रहा था। सुधा भागकर अमन को गले लगाती है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ट्रेन झटके मारने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। आ गई तुम सबकी मंजिल। भूत एक एक करके लाशों को ट्रेन से नीचे उतारता है और उनमें से कुछ आदमी, बच्चे और औरतें जिंदा भी होती हैं। उनमें सुधा और अमन भी थे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप बेटा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेन एक कब्रिस्तान में क्यों आई है? तभी एक एक करके वो भूत लाशों को दफनाने लगता है। पहले इन लाशों को दफनाता हूँ, बाद में इन जिंदा लोगों का कुछ करूँगा। अपने सामने मौत का खेल देखकर सभी लोग घबरा रहे थे, कुछ तो रो भी रहे थे। रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कैसे भी इस मुसीबत से बचना होगा। तभी वहाँ भूत आ जाता है। ये लाशें तो लग गई ठिकाने पर, अब तुम सबकी बारी है। ये सुनते ही लोग डर से भागने लगे, लेकिन भूत अपनी शक्तियों से सबको खींचकर एक जगह गिरा देता है और धीरे धीरे कर भूत जिंदा लोगों को भी कब्र में दफनाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत दफनाओ। तुम सबको छोड़ दिया तो मैं कैसे जिंदा हो पाऊंगा? मुझे मेरे मालिक के लिए पूरे 100,000 लोगों की कब्र बनानी है, फिर मुझे और शक्तियां देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं, कुछ तो उपाय बता। माँ, अब पापा के लिए जो गंगा जल पंडित जी से लेकर आई थी वो इस भूत पर डाल दो। ये अमन ने सही याद दिलाया, पंडित जी ने वो जल बुरी शक्तियों से बचने के लिए ही दिया था। सुधा बचते हुए धीरे धीरे ट्रेन के अंदर जाती है। तभी ट्रेन में चढ़ते हुए सुधा का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। मम्मी, आपको लगी तो नहीं? अच्छा, तो तू भाग कर जाएगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सुधा जल्दी से उठकर भागने लगती है। भूत एकदम से उसके सामने आ जाता है। कहाँ भागेगी, भाग, अब पहले तुझे ही दफनाता हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। भूत सुधा का गला पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी अमन पीछे से भूत का पैर पकड़ के बोलता है, छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो छोड़ो। भूत पैर से धक्का मार के अमन को पीछे गिरा देता है। अमन अपने बैग के पास जाकर गिरता है। बैग में गंगा जल है, इसे निकाल कर भूत पर फेंकता हूँ, वरना यह भूत मेरी मम्मी को मार डालेगा। और अमन ऐसा ही करता है। गंगा जल डालते ही भूत के अंदर आग लग जाती है। मैंने गलती करी तुझे छोड़कर, तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। भूत जलकर राख बन जाता है। सुधा भागकर अमन को गले लगाती है। तभी सारे लोग ट्रेन में भागकर आ जाते हैं। मेरा बहादुर बच्चा, आज तूने अपनी माँ की जान बचा ली। आपकी ही नहीं, इसने हम सबकी जान भी बचा ली। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ।